हर हर महादेव शंभु। ये बाब नमः शिवाय नमः से शिवलिंग ध्यान से महादेव का शिवलिंग ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या करना है, पहले मुझे गंगा जल से साफ नहा दीजिए, फिर इसके बाद दूध से नहाइए, शहद से नहाइए, चीनी डालिए, दही डालिए, शहद डालिए, ठीक है। फिर इनको पूरा मोलिए, ओम नमः शिवाय सीताराम बोल के मोलते रहिए। उसके बाद फिर नहा दीजिए, नहाने के बाद इत्र ले लीजिए या चमेली का तेल हो, पूरा सब लगा दिए। लगाने के बाद इनका श्रृंगार करिए और इनको एक पाठ हनुमान चालीसा सुना दीजिए शिवलिंग को, जो भी आपके घर बगल में शिवलिंग हो, जिसको जिसे काल सप दोष का दिक्कत है, काल अपसप का, जिसे कुंडली में राहु केतु काल अपसप दोष से दिक्कत हो, ये ऐसा कर दे हो जाएगा। नहीं पैसा है पूजा कराने का तो ये उपाय कर दीजिएगा। उसके बाद भोग लगा दीजिए, पेड़ा का या रसगुल्ला का केला का, जो मन हो आप बोला लचीलाना गुड़ जो लगाना भोग लगा दीजिए। माला से श्रृंगार करिए, इनको हनुमान चालीसा नीचे सुनाना, हनुमान समय है तो हनुमान चालीसा सुना दिए, और ज्यादा समय है तो सुंदर कांड सुना दिए, दीन दयाल विषम बारी हरो नाथ शंकर बारी। ये करके देखिए, मैं एक आदमी को नहीं करा, बहुत लोग से करा, सबका सफलता दिया है। तो मैं सोचा कि वीडियो यूट्यूब में डालूं कि मेरे जितने लोग हैं, मेरे चैनल देखने वाले भाइयों बहनों बहुत दूर दूर अयोध्या दिल्ली जो भी देखता हो, ये पालन करेगा उसका निश्चित होगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट लाइक करिए, हर हर महादेव। और जिसको उपाय में फायदा लगे वो भी ज्यादा शेयर कर सकता है। बाबा का दर्शन के लिए गंगा किनारे ये शिवलिंग है, देखिए गंगा किनारे दम गंगा जी है, दम गंगा तुलसी घाट अस्सी घाट के बगल में ये शिवलिंग है। अब यहीं पर अपना करता हूँ हर हर महादेव को रोज, तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।